हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज मैं आपसे कुछ ऑटिस्टिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगी, एंड आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखकर ये गेस मत कीजिए कि मैं आपको अरिहंत से करा रही हूँ, बिकॉज आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको जो करा रही हूँ अरिहंत से करा रही हूँ। ये लुसेंट का तो मैंने मैंशन किया ही है कि लुसेंट का मैं आपको सारा मटेरियल करा रही हूँ, बट अरिहंत से भी अगर मैं आपको करा रही हूँ, अगर आपको उसमें कुछ मिस्टेक्स दिख रहा है तो आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कीजिए, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करके आप उसको करेक्ट कीजिए। बट जब आप एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड ऑप्ट करेंगे, जब भी आप जहाँ से भी आप कुछ भी नॉलेज ले रहे हो, चाहे आप गूगल से ले रहे हो, बुक्स रेफर कर रहे हो, कुछ भी, कहाँ से भी, कोई भी सोर्स हो सकता है इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि आज के टाइम में आपके पास इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने सारे आपके पास सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। यानी बहुत पहले टाइम की बात है कि इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता था। अगर हम बात करें 5-6 साल पहले की भी, तब भी इतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे इन्फॉर्मेशन के जितने अब अप टू डेट हो रहे हैं। मतलब अब इतने सारे सोर्सेज हमारे पास हो चुके हैं इन्फॉर्मेशन के, हमारे पास इतने सारे, कहने का मतलब कैसे कहूँ आपको, जैसे मैं कहते नहीं है कि हमारी जो पाँचों, मुझे ना वैसे अच्छे से मुहावरे नहीं आते, बट कहते नहीं कि पाँचों उंगलियाँ घी में है। तो इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि आपके पास इतना अच्छा मौका है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। आप यूट्यूब रेफ़र कर सकते हैं, आप वीडियोस को आप बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, यानी आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन लेने के। तो अगर आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन पे जाना है, अगर आप कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट अगर आप कुछ भी दे रहे हैं, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं, कैसी भी दे रहे हैं, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को देने से पहले, आप कहते नहीं, आप 5-6 सोर्सेज से कम उसको चेक करें कि क्या आपको हर जगह से सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आपको भी सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसका मतलब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। एंड ये वाली जो बुक है, ये वाली बुक अरिहंत की नहीं है, तो प्लीज़ अपने आप गैस मत कीजिए कि मैं अरिहंत से करा रही हूँ या कौन सी बुक से करा रही हूँ। मैटर ये करता है कि नॉलेज जो मैं आपको दे रही हूँ वे मैटर करती है ना, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वे मैटर करता है। अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। एंड मैटर ये नहीं करता कि बुक कौन सी है, मैटर ये करता है कि आपको पढ़ाया क्या जा रहा है। तो आप उसी चीज़ पर फोकस कीजिए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत लग रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ कहाँ पर गलत है और कहाँ पर ठीक है इन्फॉर्मेशन। इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और ये हेल्प मेरी आप ही करेंगे, है ना। एंड एक बात और, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हो तो प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा कि वे कौन सी बुक से ली गई है इन्फॉर्मेशन, या आपने कौन सी बुक से वे इन्फॉर्मेशन ली है, जिससे मैं भी उस बुक को देखूँ, रेफ़र करूँ और आपको मैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पूरी पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड एक बात और, अम्बाला के अंदर लाइमस्टोन मिलता है। एंड अगर आपने ध्यान से सुनी हो मेरी वीडियो, वर्डिंग्स पे जाया करो, जो मैं आपको वर्डिंग्स यूज़ करती हूँ ना वीडियो में, तो वे वर्डिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और आप जब एक अच्छे लिसनर होगे ना, तभी आप उन वर्ड्स पर फोकस कर पाएंगे जो मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी लास्ट वीडियो में कैसे आपको लर्न करना है, तो मैंने इसमें आपको स्पेशली बताया था कि लाइमस्टोन खाली सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लाइमस्टोन जो है अवेलेबल है। मैंने जिसमें महेंद्रगढ़ का, रोहतक का, अम्बाला का, एंड मैंने आपसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिया था, मतलब मैंने आपसे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम मेंशन किए थे कि कहाँ पर ये लाइमस्टोन मिलता है। एंड जैसे जैसे हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, 22 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे हरियाणा के, जैसे जैसे मैं आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो उसमें मैं चीज़ आपको मैं बताती रहूँगी, लाइमस्टोन कहाँ पर है, ये जो मेन मिनरल है, जो गोल्ड का है वे कहाँ पर, यानी मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी इस वीडियो के अंदर। तो ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखिए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ वीडियो में, कि किस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट लर्न करना है, क्या इंपॉर्टेंट लर्न नहीं करना। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा माइंड में रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट यही है कि लिटरेसी रेट कैसा है, जो हेडक्वार्टर है वे कहाँ पे है, मेजर क्रॉप्स कौन सी है, मेजर मिनरल कौन से हैं, अच्छी जो मेन इंडस्ट्रीज है वे कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैथल की जो स्थिति है, कहाँ पर है, ये हरियाणा के मध्य उत्तर में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से डायरेक्शन में, कौन से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है, कौन सी सिटीज़ है, वे आपस में लगती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा के मध्य उत्तर में स्थित है, इसके उत्तर व पश्चिम में पंजाब राज्य, पूर्व में करनाल व दक्षिण में जींद जिला स्थित है, ठीक है, मध्य उत्तर। देखिए, नहन स्थापना इसकी 1 नवंबर 1989 में नया जिला बना, नव जिला, ठीक है, न्यू डिस्ट्रिक्ट बना। क्षेत्रफल जो है इसका 2317 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यालय है कैथल में, उपमंडल है कैथल गुला व पुंडरी में, तहसील है कैथल व गुला,
उप तहसील है कलायत, सावन, रंजोड़ डांड, रंजोद दार, ठीक है। खंड जो है गुला, सिचिका, कैथल, पुंडरी, ठीक है। इसकी जो मेन नदियां है वे क्या है, घग्गर व सरस्वती। प्रमुख फसलें हैं गेहूं व चावल, अन्य फसलें हैं तिलहन, गन्ना व कपास। प्रमुख उद्योग धंधे हैं हथकरघा, चीनी व कृषि उपकरण आदि, ठीक है। प्रमुख रेलवे स्टेशन है कैथल। ये जनसंख्या जो है हमारी लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग है, जो हमारा फ्रेश डाटा रहेगा सेंसस का, वे कब कब होगा, जो हमारी अब न्यू सेंसस होगी जो होने ही वाली है विद इन, ये हमारी कब होगी, ये हमारी होगी 2021 में होगी हमारी ये जनगणना जो होगी, नई जो नई सेंसस होगी, तो नई सेंसस के अकॉर्डिंग सारा का सारा डाटा आपको फ्रेश मिलेगा। लाइक ग्रोथ कैसी हो रही है ना, जो जनसंख्या घनत्व है, जो पॉपुलेशन, जो डेंसिटी है, वे क्या है, 64 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात सेक्स रेशियो क्या है, 1000 पुरुषों पर 881 महिलाएं। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है वे कितनी है, 69.15%। पुरुष साक्षरता है 70.97% एंड जो महिला साक्षरता है वे है 59.23%। जो जनसंख्या वृद्धि है वे कितनी है, 13.55%, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रमुख नगर, इसमें क्या है, कैथल, चीका, कलायत, पुंडरी, ठीक है। एंड पर्यटन स्थल क्या है इसके, गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, नवग्रह कुंड, बाबा लडाना, मेला पुंडरक, ठीक है। अब हम बात करेंगे करनाल की, एक सेकेंड रुकिए, हाँ देखिए इसकी स्थिति क्या है। हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है, इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में जींद व पानीपत, पश्चिम में कैथल व उत्तर में कुरुक्षेत्र, उत्तर पूर्व में यमुनानगर जिला स्थित है। इसकी जो स्थापना थी वे 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल है वे 2520 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यालय करनाल में है। उपमंडल जो है करनाल, असंध व इंद्री में है। तहसील जो है करनाल, असंध, नीलाखेड़, इंद्री, घरौंदा है। उप तहसील जो है निसिंग, बल्ला व निगदू। खंड जो है घरौंदा, इंद्री, करनाल, नीलाखेड़ी, निसिंग स्थित चिड़ाव व असंध में है। नदियाँ जो है इसकी यमुना जिले के पूर्वी भाग में। जो मेजर क्रॉप है ये है गेहूं व चावल, अन्य फसलें जो है तिलहन, गन्ना, दालें, सब्जियां व सूरजमुखी, एंड इसकी जो प्रमुख खनिज है वे शोरा है। देन हम बात करते हैं एक्चुअली हमारा, देखिए प्रमुख उद्योग धंधे से हमें बात करनी है। देखिए यहाँ से देखिए, चीनी, जूता, वनस्पति, घी आदि। प्रमुख रेलवे स्टेशन है करनाल। ये जो सेंसस है 2011 यानी लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग है डाटा सारा का सारा आपको गीवन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। लिंग अनुपात क्या है, 887 महिलाएं है 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर जो है हमारा 74.73% है। एंड जो जनसंख्या वृद्धि है वह कितनी है, 18.14%। जो प्रमुख नगर है वह है करनाल, नीलोखेड़ी, तारोरी, इंद्री, ऊंचा, सिवान, असंध, घरौंदा। पर्यटन स्थल है कर्णझील, ओसिस, उचाना में है जो पुंका, ठीक है, पुल मजार। अब हम बात करेंगे विशेष, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अब हम बात करेंगे जींद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, जींद का होना, पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्थिति, जींद हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसकी उत्तर में कैथल, उत्तर पश्चिम में पंजाब राज्य का संगरूर जिला, पश्चिम में फतेहाबाद एवं हिसार, दक्षिण में रोहतक, उत्तर पूर्व में करनाल, पूर्व में पानीपत तथा दक्षिण पूर्व में सोनीपत जिला स्थित है। इसकी जो स्थापना है वे 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यालय जींद में ही है। उपमंडल जो है जींद सफीदो नरवाना में। तहसील जींद सफीदो नरवाना जुलाना। उप तहसील जो है अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना। खंड जींद जुलाना, पिल्लूखेड़ा, सफीदो, उचाना कला, नरवाना, अलेवा। नदियाँ कोई नहीं। प्रमुख फसलें हैं गेहूं व चावल। तो अगर आपको आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप प्लीज़ बुक का नाम जरूर बताइए कि आपने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली या क्या सोर्स था इन्फॉर्मेशन का। तो ये चीज़ आप लोग को ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है और इससे मुझे ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे मुझे ये पता लगेगा कि जो मेरे पास डाटा है और जो आप दे रहे हैं, मैं उन बुक्स को भी रेफ़र करूँगी जो मुझे आप बताएंगे, जिससे कि आपको भी हेल्प मिले और मुझे भी हेल्प मिले। क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरी लाइफ टाइम अपने आप को इससे अप टू डेट रहना है। यानी आप कितनी ही बड़ी पोस्ट पे क्यों ना चले जाए, आप चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या आप बहुत बड़ी
पोस्ट पे चले जाए, लेकिन अब जीके का टच में ऑलवेज हमेशा रही है, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, लग्जरी एक होती है नेसेसिटी, एक होती है लग्जरी। इसको आपको अपनी नेसेसिटी के अंदर रखना है, लग्जरी में नहीं रखना। ठीक है, तो जीके तो आपका हमेशा परमानेंट सब्जेक्ट रहना चाहिए। तो अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हो, तो आपको वे इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब आपने कौन से सोर्स से भी आपने इन्फॉर्मेशन ली, आपको वे मुझे इन्फॉर्मेशन ज़रूर बतानी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू कर। और तो मैं आपको वहीं से ही वे चीज़ स्टार्ट कराऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, उन्हीं बुक्स को मैं रेफ़र करने की कोशिश करूंगी। एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो ये, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।